नमस्कार, मैं हूँ पावनी पांडे और मैं हूँ एक प्लेबैक सिंगर। मैंने बॉडीगार्ड, गुलाब गैंग, फगली, मांझी द माउंटेन मैन, वेलकम बैक और मेरठिया गैंगस्टर्स और बहुत सी फिल्मों में गाना गाया है। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम बैक की बात करते हैं। कैसे आया था आपके पास ये सॉन्ग? क्योंकि फ्यूचर में तो आपने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए, लेकिन वेलकम बैक एक बड़ी फिल्म है जी। तो उसका सॉन्ग आपके पास कैसे आया और किस तरह से आपने मतलब आप नर्वस थे करने के टाइम या एक्साइटेड थे? वेलकम बैक का गाना जब मैं कर रही थी तब मुझे पता ही नहीं था कि ये गाना वेलकम बैक जैसी बड़ी फिल्म में जाएगा। मैं और सिद्धांत माधव जो वेलकम बैक के जो कंपोज़र हैं वो और मैं, हम मेरठिया गैंगस्टर्स एक फ़िल्म है उस पर हम काम कर रहे थे। उस फिल्म पर काम करने के दौरान मुझे सिद्धांत जी ने कहा कि पावनी एक मैंने गाना बनाया है, थोड़ा सा डिफरेंट सा है, कुछ इंग्लिश पोर्शन भी है उसमें, कुछ हिंदी भी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक बार गाओ, हम ट्राई करते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम गा लेते हैं। तो हमने जब ये गाना गाया बनाया उसके बाद सिद्धांत जी ने इस गाने को अनीस सर को प्रेजेंट किया और मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ये गाना अनीस सर के पास जाने वाला है। अनीस सर को सुनते ही बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गाना तो मुझे वेलकम बैक में चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। अच्छा, दो लाइनें अगर गुनगुना। सो सुकून मिलता है जो तू, मिलता है जो तू, मिलता है जुनू, मिलता है जल्दी जल्दी नहीं फिर तू क्यों मिलता है बेबा मीट मीट डेले, जिंदगी है अकेली बेबा मीट मीट डेले, दूरी ने जान ले ली बेबे ओ बेबे ये बेबे ओ बेबे, टेल मी बेबी नाउ व्हाट्स द रीजन दैट यू साउंड, what's the reason that you sound like my dream guy anyways it feels like wow, very nice. aur music ki baat kare to aapki zindagi mein kaise shuruaat hui music ki? sabse pehle meri zindagi mein music ki shuruaat mere janm se hi ho gayi thi. meri mother bahut acha gaati thi, mere father music ke bahut shaukeen hain, halanki professionally koi bhi meri family mein nahi hai, but yun keh sakte hain ki mujhe singing mere parents se mila hai. एंड म्यूज़िक का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है। 3-3.5 साल की उम्र में मैंने अपने फादर के साथ फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिया था और बचपन से ही मैं एज चाइल्ड आर्टिस्ट्स मैं कंसर्ट्स करती थी, शोज़ करती थी, क्योंकि मेरा पैशन था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड बस यूं ही करते करते इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड सिंगर बनने के लिए मैंने डिसाइड किया। अच्छा, जैसे शुरुआत की आपने सिंगर बनने की, कोई इंस्पिरेशन था सिंगर में आपका बॉलीवुड? जब मैंने सिंगिंग की शुरुआत की, मतलब एक हर एक सिंगर की लाइफ में एक मोमेंट होता है जब वो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे यही करना है, तो ऐसे कुछ सीरीज़ ऑफ मोमेंट्स मेरी लाइफ में आए थे। बट बहुत सालों पहले की बात है, सुनिधि चौहान जयपुर में आई थी, तब मैं जयपुर में रहती थी, मेरी फैमिली हम सब जयपुर में रहते थे, जयपुर में उनका शो था और उस दौरान उनके भूमरो और मेरे महबूब मेरे ये सब गाने उनके बड़े हिट हुए थे, तो बहुत बड़ी स्टार थी वो, आज भी हैं। एंड वो आई थी कॉन्सर्ट करने जयपुर में और मैं आई वॉज़ वेरी लकी कि उनके कॉन्सर्ट में मुझे एक 5-10 मिनट का गाना मुझे गाने का मौका मिला था। बट आफ्टर लुकिंग एट हर, जब मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा और जिस तरह से वो इंटरेक्ट कर रही थी, जिस तरह से वो स्टेज पर कमांड कर रही थी, मेरे अंदर कुछ एक चेंज आया या कुछ एक जो कहते हैं आवाज़ सी आ जाती है अंदर से कि हाँ ये काम है जो मुझे करना है, ये काम है जो मैं करना चाहती हूँ, लोगों को एंटरटेन करना चाहती हूँ। एंड सुनिधि चौहान मेरी फर्स्ट आप कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स रही हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है सिंगर बनने के लिए। अच्छा, उनका कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद आया हो और आप दो लाइन अगर गुनगुना दें ऑडियंस के लिए? मुझे उनके सारे ही गाने बहुत पसंद हैं, बट एक गाना है जिस गाने को गाने के बाद मैं रियलिटी टैलेंट शो में थी सारे गामा पा लिटिल चैम्प्स में, तो उसमें मैंने एक बीड़ी जलेले गाया था विच इज़ ऑल्सो संग बाय हर। एंड वो गाना जो था वो गाने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, क्योंकि मैं कहीं भी शो आज भी करने जाती हूँ तो सबको वो गाना बड़ा याद है कि तुमने वो गाना गाया था, तुम वो गा दो। सो सुनिधि चौहान का ये गाना इज़ माई फेवरेट। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ पड़ी आग है न
बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, आजिगर माँ बड़ी आग है, धुआं ना निकारी ओ लब से पिया, धुआं ना निकारी ओ लब से पिया, आजे दुनिया बड़ी घाग है। और जैसे आपने कहा कि बड़े-बड़े कॉन्सर्ट में इस गाने की फरमाइश आती है, तो सुनिधि चौहान की तरफ से क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपके इस सर ये गाना सुना था? सुनिधि मैम ने आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे टीवी पे गाना गाते हुए सुना या नहीं सुना, बट मैं कुछ सालों पहले मैं उनसे पर्सनली मिली थी और वो मुझे देख के बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैं बहुत छोटी सी थी, मैंने आपके साथ जयपुर में परफॉर्म किया था, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि तुम इसी फील्ड को यू नो इसी फील्ड में आप कंटिन्यू कर रहे हो, यू वांट टू बिकम अ सिंगर, और मैंने सुना है कि तुम मेरा गाना बड़ा ही अच्छा गाती हो, एंड आई वुड लव यू टू यू नो आई वुड लव टू हियर यू लाइव। तो इतना बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट उनसे मिला और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला उनसे, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। अच्छा, बॉलीवुड में आपने काफ़ी सारे गाने गा लिए हैं अभी तक, लेकिन ऐसा कोई जॉनर है जो एक्सप्लोर करना चाहती है आप ऑडियंस के सामने? आई थिंक मैंने अभी तक कोई सूफी जॉनर में अभी तक मुझे गाना नहीं मिला है, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट, एंड ऑल्सो क्लासिकल जॉनर मे बी। क्लासिकल आजकल हमारी फिल्मों में शायद उतना बनता ना हो, बट अगर कभी बने, कभी ऐसी यू नो सिचुएशन आए किसी फिल्म में, तो आई वुड लव कि मुझे गाने का मौका मिले। कोई ऐसा गाना क्लासिक सॉन्ग जो क्लासिक सॉन्ग मैं अपना एक फेवरेट सुना सकती हूँ? तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया कि जहां मिल गया। अच्छा, अभी जो आपकी फिल्म आ रही है जो मैं रूठिया गैंगस्टर है उसके बारे में बात करते हैं, उसका गाना किस तरह का है और आपकी जो आपका जो सॉन्ग है कितने सॉन्ग है फिल्म में? मेरठिया गैंगस्टर्स में मेरे दो गाने हैं और आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे दोनों गाने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के मिले हैं। एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है और दूसरा जो है बहुत ही वायलेंट और रॉक किस्म का गाना है, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे सिद्धांत जी ने ये चांस दिया, मुझे इतना केपेबल समझा कि मैं दोनों इतने डिफरेंट जॉनर्स के गाने मैं निभा पाऊँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, टू द होल टीम ऑफ मेरठिया गैंगस्टर्स, जिन्होंने मुझे बहुत यू नो प्रोत्साहन दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जो रॉक किस्म का जो गाना था मैं बहुत ही नर्वस थी उस गाने के वक्त, बट सिद्धांत जी ने कहा कि आप ही गाएंगी और आप नहीं गाएंगी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई और गा पाएगा या नहीं, सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। अच्छा, वो गाने रिलीज हो गए उसके बाद सिद्धांत जी का क्या रिएक्शन था गाने के पहले और गाने के बाद? गाने के पहले ही सिद्धांत जी मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्डिंग बूथ में जाकर मैं नहीं वही गा रहे हैं, क्योंकि मैं तो हर लाइन के बाद मैं उनसे कहती थी कि सिद्धांत जी ये गाना आप मतलब आप कभी कभी सामने वाले से प्रश्न करते हैं कि आपने क्या सोचा ऐसा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो सिद्धांत जी वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव, और गाना जब रिलीज़ हुआ, जब मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स मिले सब लोगों से, जितने भी लोगों ने गाना सुना, एंड आई ओ एवरीथिंग टू हिम, मैं इसका पूरा क्रेडिट उनको देती हूँ कि ये वही गवा सकते थे मुझसे, और ऐसा गाना गाने के बाद अब मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं अलग अलग जॉनर्स के मैं गाने ट्राई कर सकती हूँ, एंड ही वॉज रियली हैप्पी विथ मी। अच्छा, आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे अपने फिल्म के बारे में या फिर अपने बारे में? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने मुझे हमेशा बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत प्रोत्साहन दिया है, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट, और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आप सब लोगों से, एंड आई होप कि मैं आगे और भी बेहतरी
आई होप कि मैं आगे और भी बेहतरीन तरीके से आप सबका एंटरटेनमेंट कर सकूं, और बस जस्ट कीप अप विथ योर ब्लेसिंग्स। अच्छा, मेरुठिया गैंगस्टर का एक आखिर में सॉन्ग मुझे रोमांटिक जो आपने बोला था। हाँ, ऐसे रोमांटिक जो गाना है ये, इसका मेल वर्जन ओरिजिनली राहत सर ने गाया है, एंड ये गाना रिकॉर्ड हो गया था। उसके बाद सिद्धांत जी ने मुझे कहा कि चलो एक काम करते हैं, इसका एक फीमेल वर्जन हम ट्राई करते हैं, तुम गाओ और हम कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, गा लेंगे। जब गाया तब उन्हें बड़ा ही पसंद आया, सबको बहुत पसंद आया, एंड आई ओ एवरीथिंग ऑफ दिस सॉन्ग टू राहत सर, कि उन्होंने एक बहुत ही ऊंचे लेवल का एक गाइडलाइन सेट कर दिया था उन्होंने मेरे लिए। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, सो थैंक यू सो मच राहत सर इफ यू आर वॉचिंग दिस। तुझसे नजर जो हटती नहीं है, नैनों ने तेरी साजिश रची है, ये इश्क की शायद नई कारीगरी है, दिल को मेरे मुझ पे नहीं तुझ पे यकीन है, तेरे पीछे भागे नैना तो से लागे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।